एक आदमी दूसरे से, तुम जहाज में सफर क्यों नहीं करते? दूसरा आदमी, इसलिए कि मुझे मरने से डर लगता है। पहला आदमी, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आदमी तभी मरता है जब इसका वक्त आ जाए। दूसरा आदमी, अच्छा फर्ज करो मैं एक जहाज में सफर कर रहा हूँ, मेरे मरने का वक्त तो नहीं आया, लेकिन पायलट के मरने का वक्त आ जाए तो फिर? बाप ने बेटे से कहा, देखो ये आज तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे एक खत मिला है। बेटा, अब्बू आप फिक्र ना करें और मुझे 50 रुपए दे दें बस, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। एक शेख साहब ने एक बकरी पाल रखी थी जिसे वो महंगे दामों बेचना चाहता था। एक दफा शेख साहब ने ख्वाब में देखा कि वो बकरी का किसी से सौदा कर रहे हैं और बकरी को 2500 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि बकरी की असल कीमत 2000 थी और ग्राहक 2200 रुपए देने को तैयार था। शेख साहब अड़े रहे कि 2500 में ही दूंगा और ग्राहक जो है वो छोड़ने लगा। शेख साहब की आंख खुल गई, शेख साहब घबराहट में उठे और बोले, यार अच्छे बंदे 2200 रुपए दे रहा था तो मैंने लिए ही नहीं। शेख साहब ने फौरन आंखें बंद की और बोले, लाओ 2200 रुपए ही दे दो। एक शख्स रात को जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा था। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और होश आने पर इस शख्स से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? इस शख्स ने जवाब दिया, कसम ले लो बीवी ने नहीं मारा बल्कि गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ हूँ। मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी होगी, उन दोनों की एक दूसरे से दूसरी शादी थी। नाचाकी इतनी बढ़ गई कि मामला अदालत तक पहुँच गया। शोहर तलाक देता था, बीवी तलाक देती नहीं। जज ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? कहने लगी, ये मुझे इस हालत में छोड़ दे जिसमें मैं इससे शादी से पहले थी। जज ने पूछा, वो क्या हालत थी? कहने लगी, मैं इससे शादी से पहले बेवा थी।